दोस्तों ये बंदा पुतले को लेके पुलिस वाले से छिपकर खुद को इस दरवाजे के आगे छिपा लेता है। तभी ये पुलिस वाला तुरंत आ जाता है और ये बंदा पुतले को अपना चश्मा पहनाने लगता है। तभी ये पुलिस वाला सामने वाले कमरे के अंदर बंदे को देखने के लिए चला जाता है। तब तक ये बंदा पुतले को अपना चश्मा पहनाकर हाथ को सीधा करने लगता है। तभी ये पुलिस वाला फिर से तीसरे वाले कमरे के अंदर देखने लगता है और वहां से निकलकर दूसरे वाले कमरे के अंदर चला जाता है। दोस्तों एक वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, इसलिए दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तभी ये बंदा पुतले को घुमा के सामने की तरफ खड़ा कर देता है और खुद को पीछे छिपाए रखता है। तभी पुतले का हाथ आगे होने की वजह से पुलिस वाला देख लेता है और धीरे धीरे आगे की तरफ आने लगता है। तभी ये बंदा पीछे चुपचाप खड़ा रहता है और ये पुलिस वाला जैसे ही पुतले को पकड़ता है सामने आने पर तुरंत पहचान लेता है और बंदे को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। दोस्तों ये बंदा पुलिस वाले से छिपकर खुद को इस दरवाजे के आगे छिपा लेता है। तभी ये पुलिस वाला तुरंत आ जाता है और ये बंदा अपने सफेद जैकेट को उतार देता है। तभी ये पुलिस वाला बंदे को कमरे के अंदर खोजने लगता है और वहीं पर खड़ा होकर इधर उधर देखने लगता है। तभी ये बंदा इस मास्क और काले जैकेट को पहनने लगता है और ये पुलिस वाला इस बंदे को दूसरे वाले कमरे के अंदर खोजने के लिए चला जाता है। तभी ये बंदा मास्क और कपड़े को अच्छी तरह से पहन करके माथे को नीचे झुकाकर बैठ जाता है। दोस्तों एक वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, इसलिए दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। और ये पुलिस वाला कमरे से निकलकर बंदे की तरफ आने लगता है। तभी ये पुलिस वाला इस बंदे का माथा नीचे होने की वजह से इसका डरावना चेहरा नहीं देख पाता है और इसको एक लाचार बूढ़ा समझकर ये उल्लू पुलिस वाला इस बंदे को पैसे देकर चला जाता है।